नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जी राजेश दास। राजेश जी आप कहाँ से आए हैं? जी मंगोलपुरी दिल्ली से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी 25 जून 2013 में ली जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी भगत जी लगभग 35 साल से राधा स्वामी पंत से हम जुड़े हुए थे जी। राधा स्वामी पंत की भक्ति करते थे, उनसे नाम दीक्षा लेके जो उन्होंने नाम दीक्षा दे रखे थे 5 नाम की, वही हम भक्ति हम साधना कर रहे थे। सर आपने बताया कि आप 35 साल से राधा स्वामी पंत में जुड़े हुए थे, तो 35 साल तक भक्ति साधना करने के बाद भी आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? सर ऐसा है कि हमारे दादाजी हैं, एक हमारे पिताजी के मामा जी, तो उन्होंने एक दिन आके हमारे को बताया कि भी ऐसे एक संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता, वो देखिए जरा। सत्संग चालू कर दिया गुरु जी का, तो हम देखा कि भाई संत रामपाल जी महाराज जो राधा स्वामी के बारे में दिखा रहे थे, हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल गलत बोल रहे हैं वो। ऐसा लगता था कि टीवी को तोड़ दे इसको, हम आ गए वहाँ से छोड़ के। तो एक बार फिर उन्होंने फिर दोबारा हमारे को बुलाया कि भी मैं मर जाऊँगा तब आओगे क्या, एक बार आ जाओ। फिर तो हम वापसी दोबारा फिर एक बार गए। संत रामपाल जी महाराज की सत्संग की सीढ़ियाँ रखी थी परिभाषा प्रभु की जी, वो हम अपने साथ में लेके आए थे डेली। हम उसको सवेरे अब टाइम होता था परिभाषा प्रभु की चलाते थे डेली। तो देखते देखते धीरे धीरे हमें जब राधा स्वामी के बारे में कोई भी जिक्र आता तो हम उसको किताबों में छानते, किताबों में देखते, तो पता लगता था कि वाकई जो हम भक्ति यहाँ कर रहे हैं वो बिल्कुल साधना गलत है हमारी। संत रामपाल जी महाराज ने एकदम निष्कर्ष निकाल के वेदों के आधार पर जो हमारे को ज्ञान बताया था, ठीक वही हम देखते देखते देखा कि चलो हम देख के आएंगे एक बारी। तो 25 जून 2013 को हम बरवाला आश्रम पहुँचे, वहाँ देखा सबका व्यवहार, वहाँ सबका एकदम बहुत बढ़िया। तो देखा कि भी नामदान की वो लगी हुई थी कि भी चलो नाम दीक्षा ले लेते हैं, नाम दीक्षा लेने में क्या दिक्कत है, बंदी छोड़। सदगुरु रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ली। सर आपने बताया कि आप 35 साल से राधा स्वामी पंथ में जुड़े थे, आप वहाँ बहुत सारी बातें जानते हैं, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो राधा स्वामी पंथ में और संत रामपाल जी महाराज की भक्ति साधना और पंथ में आपको क्या भिन्नता नज़र आई? राधा स्वामी पंथ में वहाँ सिर्फ दिखावा ही दिखावा है जी। जो नाम वो दीक्षा दे रहे हैं ना, वो हमें यहाँ आके पता लगा बिल्कुल के वो काल के नाम हैं, वो नाम भक्ति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वो दुनिया के आडंबरों में जो लगे हुए हैं सारे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ही बताया हमारे को सत भक्ति के लिए के भी यहाँ से हमने मोक्ष अगर पाना है सत भक्ति करके ही, सत नाम की भक्ति करके ही हम मोक्ष पा सकते हैं और अपने सतलोक घर जा सकते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर लाभ हमें ये प्राप्त हुए कि मेरे को बीपी की प्रॉब्लम रहती थी और इस हाथ में भी कष्ट था मेरे, ये हाथ ऊपर नहीं जाता था, पैरों में जैसे बैठ के हम खड़े हो जाते थे तो एडी में काफ़ी देर तक दर्द रहता था, नहीं चल पाते थे हम। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमें पता ही नहीं लगा कि वो दर्द हमारा सारा गया कहाँ। मालिक की दया से 5 साल से ज़्यादा ही हो गए लगभग अभी तो, ठीक है, जिस जो हमारा फैमिली डॉक्टर था महीने में कम से कम 4-5 बार हम उसके पास जाया करते थे, आज भगवान की दया से वो डॉक्टर का चेहरा हमने नहीं देखा, ये हमारे ऊपर मालिक की दया है। और हमारे पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम थी सन 2000 से, डॉक्टरों ने उनके लिए बोल दिया था कि इनको आजीवन दवाइयाँ खानी पड़ेंगी जब ये जीवित रहेंगे। तो उसके बाद काफ़ी दिन तक उनका इलाज भी चला, 2-3 बार अटैक भी पड़े। उसके बाद उनको हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए थे। शरण में आने के बाद 2014 के अंदर उनको एक पैरालाइज अटैक पड़ा था, बैठे बैठे अचानक पैरालाइज अटैक पड़ते ही जो हमारा फैमिली डॉक्टर था मैंने उसको फ़ोन किया कि भी मैं बता सकूँ उसे, तो उसने कोई फ़ोन नहीं उठाया। मेरा अचानक ध्यान में आया कि मैं संत रामपाल जी महाराज को फ़ोन करूँ आश्रम में ताकि वहाँ से मुझे कुछ लाभ मिले। मैंने फ़ोन किया तो उसके बाद मालिक ने आदेश दिया था कि भी परमात्मा दया करेंगे और ऐसे चरणामृत और प्रसाद उनको दे दीजिए और नाम जाप करते रहे अपना। मैंने फ़ोन काटा ही था कि एकदम उन्होंने बोला कि भी मुझे पेशाब करना है, तो धीरे धीरे अपना खड़ा हुए, खड़े होके वो पेशाब करने के लिए चले गए और धीरे धीरे बाद में कहते कि भी अब मेरे को छोड़ दो,
जो अपने पैरों पे बिल्कुल मुर्दा पड़े हुए थे, मुर्दा स्थिति में, मतलब ऐसा हालत हो गई थी उनकी कि बिल्कुल मुर्दा। तो संत रामपाल जी महाराज, भगवान की ऐसी दया हुई कि जब संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे बोला कि भैया परमात्मा दया करेंगे, ये मालिक की दया से वो 10 मिनट के अंदर अपने आप पैरों पे चलने लगे। और अगले दिन सवेरे हम सीधे बरवाला आश्रम पहुँचे। बरवाला आश्रम पहुँचने के बाद जब संत रामपाल जी महाराज जी दर्शन के लिए जब आते हैं, तो दर्शन के टाइम पर हमने गुरु जी से कहा, बंदी छोड़, आपने रात को बड़ी दया करी हमारे ऊपर। तो बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज बोले कि बेटा भक्ति कर, कुछ नहीं होगा अब तेरे को, तेरे को मालिक ने जीवन दिया है, ये मालिक की दया हुई हमारे ऊपर बहुत। और पूरा परिवार आज मालिक की शरण में है। पिछले 2017 के आसपास लगभग मेरी मम्मी को भी इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था कि भी ये नहीं बच पाएंगे। अब हमने काफ़ी दूर दूर तक उनको दिखाया इलाज के लिए, काफ़ी दूर लेके गए, कोई कहता कुछ ब्लड चढ़ेगा, कोई कहता कुछ कुछ होगा, कुछ सब ने अपना अपना अलग अलग हिसाब बता रखा था। लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज वो बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक स्थिति में बैठे हैं एकदम, और मालिक की भक्ति कर रहे हैं। यही हमारे ऊपर सबसे बड़ी दया मालिक की यही है कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अपनी शरण में ले रखा हमें, ये सबसे बड़ा लाभ हमारे को यही है मालिक। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके राधा स्वामी वाले, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे, आप जा रहे हैं सत्संग में, आप सत्संग के बारे में वहाँ बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते। सत्संग क्या चीज़ है वो अगर सुनना है तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए और देखिए, पता लगेगा। आज तक हम सत्संग में जरूर जाते थे लेकिन हमें ये नहीं पता था कि सत्संग में किस लिए जाया जाता है। पता लगता है भी हम परमात्मा को पाना है, परमात्मा के बारे में आज तक किसी ने बताया नहीं हमारे को कि वो परमात्मा है कौन। सब एक की ही महिमा गा रहेंगे, ठीक है, लेकिन आज तक कोई बताने वाला नहीं मिला। जी महाराज जी ने विद प्रमाण, विद अपने शास्त्रों के हमारे को बताया कि भी परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब जी हैं, विद प्रमाण। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए साधना चैनल शाम को 7:30 बजे के 8:30 बजे तक आते हैं। नीचे पट्टी आती है, उस पर आप नंबरों पे कॉल करके आप नज़दीकी नाम स्थान स्थल का पता कर सकते हैं और आप वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार।